मीरा भाईंदर शहर की काशी गांव पुलिस ने दो अलग अलग मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक पहले मामले में मुखबिर से यह जानकारी मिली थी कि यूपी से मीरा भाईंदर शहर में गावठी कट्टा व जिंदा कारतूस लेकर में बेचने आने वाला है। पुलिस को सूचना मिलते ही जाल बिछाकर एक आरोपी को फाउंटेन होटल के पास के गिरफ्तार कर उनके पास गावठी कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद कर लिया। दूसरा मामला, जब काशी गांव पुलिस स्टेशन में दो कार चोरी के मामलों में मुंबई से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उस आरोपी को जांच की तो पता चला कि आरोपी ने और भी दो कार की चोरी की थी। आइए जानते हैं डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ से। काशीगांव पुलिस स्टेशन की एरिया में पुलिस कांस्टेबल मंगेश रक्षे इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक वेपन बिक्री के लिए आ रहा है, तो वही इन्फॉर्मेशन पे पुलिस ने वहाँ पे उसको रंगे हाथ पकड़ा। उसके पास से हमें एक फायर आर्म और एक राउंड ऐसा मुद्देमाल जो है बरामद हुआ है। इसमें आरोपी को अरेस्ट किया गया है और उसको 6 अगस्त तक पुलिस कस्टडी मिली है। उसने ये जो वेपन है फतेहपुर उत्तर प्रदेश से गोलू कुमार करके आरोपी है उससे लाया था, तो अभी उसके हम ढूंढ रहे हैं। काशीगांव पुलिस स्टेशन में 184/24 ऐसे दो ऑफेंसेस कार चोरी के रजिस्टर थे। ये इसके इन्वेस्टिगेशन में लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हमने खंगाले। उसके बाद हमें एक जो आरोपी है अहमद नियत अली शेख, इसको हमने गोवंडी से अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन में उसके ऊपर और भी दो गुने, मीरा रोड के भी एक कार और एक मुंबई की, ऐसे 4 कार जो है हमने बरामद की है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। खबर देखने के लिए देखते रहे समय प्रभात।